الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى جم منيرًا وصلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فمنهم شقي وسعيد وقال الله تبارك وتعالى في آية أخرى وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے جب دل سے انہیں ہم چاہیں گے ایک دن تو کرم فرمائیں گے جائیں گی کبھی آہیں دل کی بالائے فلک تا عرشیں بری یہ درد محبت کے نالے کچھ رنگ تو اپنا لائیں گے بلبل کو نہ کر تو اے ناداں پابند سکوت اور خاموشی جب اس کو چمن یاد آئے گا نالے بھی لبوں تک آئیں گے جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذو کہتے ہیں روشنی جب شمع محبت دل میں لیے محفل میں ہو کوئی صاحب ذو پھر عشق خدا کے پروانے خود اڑ کے وہاں آ جائیں گے کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق سے دل مجروح نہیں کیوں آہ میں کچھ تاثیر نہیں کیا عشق سے دل مجروح نہیں جب نور نہیں خود ہی دل میں ممبر پہ وہ کیا برسائیں گے تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو تم لاش کو میری غسل نہ دو بس خون میں لتھڑی رہنے دو کل خون شہادت میں ڈوبا یہ جسم انہیں دکھلائیں سرزمین لال پور اور اس وسیع و عریض مسجد میں تشریف فرما اہل لال پور قطب پور مڈیان مداری رودرپور بھٹ پورا لچی نگلیا اس پہ کیوں ہنس گئے اور بھی کھیدر پور ہریٹا بھوٹ ڈھکا حاجی نگر
धनुपुरा मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए कतरे जो थे मेरी अरक इनफियाल के। गुज़िश्ता साल यही मकाम था यही जगह थी जहां से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। कुछ पैगामात आपके सामने रखे थे कुछ गुजारिशात आपसे की थी इरशादात नबी आपको पढ़कर सुनाए थे। दिल में एक दर्द था एक चुभन थी एक कसक थी एक आह थी एक तेज थी जो मुझे लगी हुई थी क्योंकि मैंने भी बहुत ज़ख्म झेले हैं बहुत दर्द झेला है बड़ी मुश्किलें झेली हैं। इसलिए अब किसी की आंख में आंसू देखकर खुद अपनी आंख भर आती है किसी के मासूम बच्चे को देखकर यतीमों की याद आ जाती है। इसलिए मैंने कुछ गुजारिशात की थी और आखिर में हमने और आपने लब खोले थे दुआ के लिए दामन फैलाया था अल्लाह तबारक वताला से इस बस्ती के माहौल को बेहतर बनाने के लिए दिलों को जोड़ने की गुफ्तगू की थी। दिलों के तोड़ने वालों को मैंने इंसानियत का दुश्मन करार दिया था और मैंने कहा था कि हमें कोशिश करना है दो टूटे हुए दिलों को जोड़ देना और दिलों को हमें वसी करना है। दरमियान साल में मुझे मालूम हुआ एक ऐसा काम यहाँ हुआ जिसका नाम शरीयत की इस्तिलाह में सुलह है और कुरान कहता है वस्सुलहु खैर। और मेरे नबी और आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया एक ऐसा लम्हा आया एक जज्बाती मोड़ भी था और बहुत ही अहम तरीन मसला था जिसे तारीख जिसे सीरत जिसे हिस्ट्री सुलह हुदैबिया के नाम से जानती है। जानते हैं नौजवानों सुलह हुदैबिया मेरा और आपका रहबर तुम्हारा और आपका रहनुमा दुनिया का कोई इंसान नहीं है। 1450 बरस पहले जिस ज़ात अक़दस पर मक्का मुकर्रमा में और मदीने मुनव्वरा में जज़ीरतुल अरब में कुरान नाजिल हुआ वही मेरा और आपका रहबर है। खुशियों में भी वही रहबर होना चाहिए गमों में भी वही रहबर होना चाहिए और ये कुरान हमारे लिए दस्तूर ज़िंदगी है दस्तूर हयात है ये कुरान करीम ही हमारी हिदायत का ज़रिया है। इसके सिवा कोई और किताब न हम उस पर ईमान रखते हैं न हम उस पर यकीन रखते हैं न उसे हम किताब शिफा समझते हैं न हम उसके सामने अपना सर झुकाते हैं न उसको चूमते हैं न उसे हम जुज़दानों में रखते हैं। एक ही किताब है हमारे लिए और वह है अल-कुरान अल-करीम वो किताब है कुरान मजीद। इस कुरान करीम ने हमसे कहा वइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली अगर किसी चीज के बारे में तुम में झगड़ा हो जाए तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ उसको लौटाओ। यहां सारे बैठे हुए लोग अहले ईमान हैं साहिब ईमान हैं और कैसे भी हों ईमान की चिंगारियां उनके सीने में हैं ईमान का नूर उनकी पेशानियों पर है ज़बानों पर नगमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है और मुहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत से यकीनन दिल सरशार हैं और दिलों में ये चीज़ है और दिलों का फेरने वाला अल्लाह तबारक वताला है। तो मैं इस वक्त याद कर दिला रहा था कि मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा निकलते हैं और खाने काबा के तवाफ के लिए आप 1300-1400 सहाबा का लश्कर लेकर निकल पड़ते हैं। परेश मक्का को पता चलता है मक्के के सूरमाओं को पता चलता है कि मोहम्मद खाने काबा में दाखिला चाहते हैं और खाने काबा का तवाफ का इरादा रखते हैं। मक्का में हम उनको दाखिल नहीं होने देंगे। उन्होंने सोचा ये हमारी जिल्लत है जिसको हमने यहाँ से निकलने पर मजबूर किया वो मक्के में दाखिल कैसे हो सकता है। उन्होंने तलवारें सूत ली नियाम से बाहर निकाल ली नेजे अपने हाथों में उठा लिए खंजरों पर धार लगा ली और जाहिलियत का नारा लगाया हम जाहिलियत का नारा लगाया हम मक्के में दाखिल
قابل نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے. ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جانباز تھے, سپاہی تھے, جنگجو تھے, دلیر تھے, بہادر تھے, شجاعت کے امام تھے. انہوں نے بھی یہ کہا جن ماؤں کا دودھ انہوں نے پیا ہے ہم نے بھی انہی ماؤں کا دودھ پیا ہے. اگر وہ مکہ کے رہنے والے ہیں تو ہم بھی مکہ کے رہنے والے ہیں, وہ قریش ہیں تو ہم بھی قریش ہیں, وہ دیکھیں ہمیں کیسے روکتے ہیں. دونوں طرف سے حال یہ ہوا کہ خون کی ندیاں اگر داخل ہوں تو مکے میں بہ جائیں. ظاہر ہے یہ جاتے تو وہ لڑتے اور یہ جاتے تو وہ مقابلہ کرتے. اور انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھیں, انہوں نے بھی اپنے ہاتھوں میں کنگن نہیں پہن رکھے تھے. میرے اور آپ کی طرح انہوں نے مہندی ہاتھوں میں نہیں لگا رکھی تھی. اور یہ ایسی قوم تھی کہ جس کے سامنے کسرا تھراتا تھا, جن کی طاقت کا لوہا قیصر روم مانا کرتا تھا. لہذا حالات یہ بنے کہ یہ مکہ میں داخل ہوں اور ان کے حالات یہ بنے کہ ہم ان کو روک کر کے دکھائیں گے. لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا وہ پیغمبر جس کی شان ہم نے رحمت للعالمین بنائی ہے, ارض حرم میں خون بہے, شہر امن میں خون بہے, وحاد البلد الامین شہر میں خون بہے, نبی کے ہاتھوں قتل عام ہو رہا ہو. اللہ نہیں چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ایک نئی بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا کہ اس وقت ادھر سے صلح کا پیغام آیا ہے تو صلح کر لیجیے. اگر میرے آقا صلح نہ کرتے تو ان سے زیادہ بہادر کون تھا, ان سے زیادہ جنگجو کون تھا, ان سے زیادہ ڈٹ جانے والا کون تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حیدر کرار, صاحب ذوالفقار, شیروں کا شیر, مرد جمعہ یہ کہتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شجاعت کے امام تھے, جو بہادروں کے امام تھے, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر بہادری کی ساری تانے ٹوٹ جاتی ہیں, جن پر دلیری کی ساری کمندیں ٹوٹ جاتی ہیں. دنیا میں اگر کوئی بہادر ہے تو عمر ابن خطاب سے بڑھ کر نہیں ہے, کوئی دلیر ہے تو علی مرتضیٰ سے بڑھ کر نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ جب جنگوں میں ہمیں پناہ لینے کی ضرورت پڑتی, تیروں کی برسات میں اور تلواروں کی جھنکار میں اور نیزوں کی نوک سے بچنا چاہتے تو ہم پہاڑوں اور ٹیروں میں پناہ نہیں لیتے, ہم محمد رسول اللہ کی پناہ. تمہیں کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے کہ نیا لیڈر تلاش کرو, تمہیں کوئی لیڈر بنانے کی ضرورت نہیں ہے. 1400 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لیڈر کا انتخاب کر دیا, رہنما کا انتخاب کر دیا, تمہارے لیے امام اور پیشوا کا انتخاب کر دیا. وہ ہے عبداللہ کا در یتیم, وہ ہے آمینہ کا لخت جگر, وہ ہے حضرت فاطمہ کے والد, وہ ہے حضرت علی کے بھائی, حضرت عباس کے بھتیجے, حضرت حمزہ کے بھتیجے. اللہ رب العزت نے کہا یہ ہے تمہارا امام, کافتا للناس بشیرا و نذیرا, اسے پوری انسانیت کے لیے بھیجا ہے. حضرت موسیٰ مصر کے لیے آئے تھے, حضرت شعیب مدین کے لیے آئے تھے, حضرت لوط قوم عمورہ اور صدوم کی بستیوں کے لیے آئے تھے, حضرت نوح ایک علاقے کے لیے آئے تھے, حضرت شمویل ایک علاقے کے لیے آئے تھے, حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے لیے آئے تھے, حضرت داؤد بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. تم اس نبی کے ماننے والے ہو جسے مشرق سے لے کے مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, آج سے لے کے قیامت تک اور قیامت سے لے کر کے صبح ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام نبیوں کا بھی سردار بنایا, تمام امتوں کا سردار بنایا. اس سردار کے تم امتی ہو, تمہیں کسی اور کو سردار ماننا یہ توہین ہے تمہاری اپنی امامت کی. فیصلہ ان کی چوکھٹ پر لاؤ. وہ قاضی بھی ہیں, وہ جج بھی ہیں, وہ امام بھی ہیں, وہ قاری بھی ہیں, وہ عالم بھی ہیں. آپ نے فرمایا اوتیتو علم الاولین والآخرین, مجھے پہلوں کا علم بھی دیا گیا اور مجھے بعد والوں کا بھی علم دیا گیا. جھگڑے میں مت پڑو, کوئی یہ کہے کہ تمہیں کیا دیا گیا یا نہیں دیا گیا. مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی, وہ شعر آپ کو سنا رہا ہوں جو شاید کبھی آپ کے پاس میری زبان سے
سے پہلے بھی گزرے ہوں، مگر غور کر لینا، مولانا قاسم نانوتوی یہ بات کہہ رہے ہیں جن کے مدرسے میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، جن کے یہاں بھی ان علماء نے پڑھا ہے، کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، جو مبشر بھی، شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں جو، غیر محدود بھی۔ تو خود ہی آپ کہہ رہے ہو غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، یہ مولانا قاسم نانوتوی فرما رہے ہیں، لفظوں کے پیچ میں الجھتے نہیں دانا۔ تو وہ جن کے پاس یہ علم ہے تو اس ضرورت ہے اس قوم کو کسی اور کی طرف جھانکنے کی، کسی اور سے بھیک مانگنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت کے خزانے تمہیں دیے، اللہ نے قرآن جیسی نعمت تمہیں عطا فرمائی، اسلام جیسا دین عطا فرمایا، محمد جیسا رہبر و رہنما عطا فرمایا۔ آج کے لیڈروں کی طرح نہیں جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھتے ہوں، آج کے گیدڑوں کی طرح نہیں جو صف میں پیچھے رہتے ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمارت کی ہے، جو قیادت کی ہے، غزوہ احزاب میں، غزوہ حنین میں دیکھو، اور غزوہ احزاب میں دیکھو، غزوہ بدر میں دیکھو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیادت کرتے نظر آئیں گے۔ احد میں دیکھو گے تو اگر صحابہ کو زخم ہے تو آپ بھی زخم کھاتے نظر آئیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے لشکر روانہ کر دیا ہو اور آپ اپنی مسجد نبوی میں بیٹھ گئے ہو اور وہاں الا اللہ کی ضربیں لگا رہے ہو یا وہاں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو، بلکہ آپ صحابہ کو لے کر نکلے، ایک زرہ نہیں دو زرہ اپنے سینے پر باندھی اور اپنے سر پہ ٹوپی چنگی رکھی اور میدان احد میں نکل گئے۔ اور قربانی کا مرحلہ آیا تو چچا حمزہ کی قربانی وہاں پیش کی، مرحلہ آیا تو حضرت عبیدہ کی قربانی وہاں پر پیش کی، اور دو دانت شہید ہو گئے اور رخسار سے خون ٹپکنے لگا۔ یہ ہے تمہارا لیڈر جو احزاب میں بھی آگے، جو حنین میں جب کھڑے ہیں تو صحابہ تتر بتر ہو گئے اور صحابہ کرام نے پیڑوں کی اوٹ لے لی اور پہاڑوں کی اوٹ لے لی اور اپنے ادھر ادھر جانے لگے۔ اس وقت آپ نے کہا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ دو اشارے تھے، انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں یہ جھوٹی بات نہیں ہے، وہ انا ابن عبد المطلب، میں بھی عبد المطلب کا پوتا اور بیٹا ہوں، تم سے گیا گزرا نہیں ہوں، جو بہادری تم میں ہے وہ مجھ میں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں میدان سے ہٹ جاؤں۔ اور اس کے بعد آپ نے پکارا، ایوہ الناس ہلوم الیہ، اے لوگوں کہاں ہو، آؤ میری طرف، ایوہ الانصار، اے انصار صحابہ تم کہاں ہو، ایوہ المہاجرین تم کہاں ہو، یا اصحاب بیت الشجرہ، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں تم کہاں ہو۔ جیسے ہی آپ نے آواز لگائی سارے صحابہ سمٹ کر پرندوں کی طرح آپ کے آس پاس آ گئے۔ بات اس پر چلی کہ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت اور طاقت اور جرات اور بہادری کا یہ عالم، مگر پھر بھی آپ نے حدیبیہ کے موقع پر صلح کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کے لیے تیار نہیں ہیں، ابوبکر راضی نہیں ہیں، حضرت علی راضی نہیں ہیں، 1400 صحابہ راضی نہیں ہیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس موقع پر صلح نہ کرتے تو صلح سنت کیسے قرار پاتی، میں اور آپ اور دنیا کے جنگجو بہادر کیسے صلح کا ہاتھ بڑھاتے۔ لہذا اللہ کے رسول نے یہاں قریش مکہ سے صلح کر کے یہ پیغام دیا کہ صلح افضل ہے، صلح سے فتح کا دروازہ کھلتا ہے، صلح سے مکے کی فتح لکھی جاتی ہے، اس صلح سے خیبر کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس صلح کے متعلق کہا، انا فتحنا لک فتح مبینا، اے نبی ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی ہے۔ دو سال کا عرصہ اور انتظار کر لیجئے، دو سال بعد مکہ فتح ہو جائے گا۔ اور پھر قرآن نے کہا، وَإِن جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا، اگر وہاں سے صلح کا پیغام آئے تو پیغام صلح قبول کر لو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
قتل و قتال کو پسند نہیں کرتا, خون بہانے کو اللہ رب العزت پسند نہیں کرتا, صفق دماء کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اللہ نہیں چاہتا کہ آپس میں جنگیں ہوتی رہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا ہی اس لیے. پورا جزیرۃ العرب جنگوں سے جھوج رہا تھا. میری اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے, میری اور آپ کی تو اوقات کیا ہے, میں اور آپ ہوں کس کھیت کی مولی. وہ عرب, ان کی پہچان جنگ تھی. 8 مہینے جنگ کے رہتے ان کے, اور 4 مہینے عاشور حرم میں وہ صرف جنگ کو بند کرتے تھے. محرم, رجب, ذیقعد اور ذیلحج عمرے کا مہینہ اور حج کے مہینوں میں بند کرتے تھے. ورنہ زمانے جاہلیت میں تلواریں ان کی میان سے باہر رہتی. کسی کا اونٹ کسی کے کھیت میں پہنچ گیا تو اسے کاٹ ڈالتے, اور ادھر سے پتا چلتا کہ میرا اونٹ کاٹ ڈالا تو یہ قبیلہ اٹھ کھڑا ہوتا, ادھر سے وہ قبیلہ اٹھ کھڑا ہوتا, اور جنگیں 500 سال تک چلتی رہتی, ہزار اور سینکڑوں سال تک جنگیں چلتی رہتی. ان سبھی کو ختم کرنے کے لیے آمینہ کا لال آیا, ساری دنیا کو امن بانٹنے کے لیے پیغام ایمان لے کر آیا, شہر امن میں آیا, اور اس نے اپنے ماننے والوں سے یہ کہا کہ جنگ ٹھیک نہیں ہے. ایک صحابی کا نام حرب تھا. وہ تو نام ہی ایسا رکھتے تھے عرب, ہم تو ایسے رکھتے بھی نہیں. جانتے ہو کیسے نام رکھتے تھے؟ عربی زبان میں شیر کے کم سے کم 70 نام ہیں. کتنے؟ اسد بھی شیر, اسامہ بھی شیر, حارث بھی شیر, لیث بھی شیر, غزنفر بھی شیر. یعنی اپنے بچوں کے نام شیر پر رکھتے تاکہ اس میں بہادری پیدا ہو. اپنے بچوں کے نام سانپوں پر رکھتے. ارقم چتکبرے سانپ کو کہا جاتا ہے. اپنے بچوں کے نام چٹانوں کے نام پر رکھتے. سخر اور سخرہ چٹان کو کہا جاتا ہے, اور حرب جنگ کو کہا جاتا ہے. تو بیٹوں کے نام جنگ رکھتے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص کا نام جنگ ہے, تو آپ نے کہا کہ یہ جنگ تو بہت بری چیز ہے, اس کا نام حرب سے بدل کر دوسرا نام کر دو. پسند نہیں کیا گیا. بات صلح پر چلی کہ وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ہوتے ہوئے پیغام صلح کا ہاتھ بڑھایا, اور صلح حدیبیہ ہو گئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے سال اس صلح کی برکت سے آپ کو عمرہ نصیب فرمایا, اور اس سے اگلے سال آپ نے عمرہ کیا. 6 میں حدیبیہ صلح ہوتی ہے, 7 میں عمرہ کرتے ہیں, 8 میں مکہ فتح ہو جاتا ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر سب کی معافی کا اعلان کر دیا. یہ ہے شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا ان کو معاف کر دیا, جنہوں نے حضرت جس نے آپ کے حقیقی اور سگے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اس کو معاف کر دیا. ابو سفیان جو کئی جنگوں میں قیادت کر کے آپ کے خلاف نکلا تھا اس کو معاف کر دیا. آپ نے ابو جہل کے بیٹے اکریمہ کو معاف کر دیا, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا من اغلق بابہ فہو آمین, جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا اسے امن ہے, اور جس نے ہتھیار پھینک دیا اسے امن ہے, جو مکے کی سرحد سے باہر نکل گیا اسے امن ہے, اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا اسے امن ہے, جو حجر اسود کو چومنے لگا اسے امن ہے. ابو سفیان کے گھر میں, آپ کے دشمن کے گھر میں جس نے پناہ لے لی اسے امن ہے, ہندہ کے گھر میں جس نے جا کر کے اپنے آپ کو چھپا لیا اسے امن ہے. یہ پیغام امن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. یہ ہے آپ کی شان. اسی جاہلیت کو آپ نے آ کر ختم کیا, وہ جو جاہلیت تھی, اور پھر آپ کے ماننے والے اہل ایمان کہلائے, مسلمان کہلائے, مومن کہلائے. وہ دور جو جاہلیت کا دور پر تھا, اس جاہلیت کی جگہ ان کے یہاں شاعر رہا کرتے تھے, اور وہ شاعر اپنے خاندان کی تعریف کیا کرتے تھے, دوسرے خاندان کی توہین کیا کرتے تھے. اسی بنیاد پر جنگیں ہوتی, اسی بنیاد پر جنگوں کے تذکرے ہوتے. زمانہ جاہلیت کی ساری شاعری اسی پر ہے. اب عالم عبد عالم کا تاجدار محمد رسول اللہ تشریف لے آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب اس کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر
जिक्र करो, यहां तक कि जब हज में वो जाते तो मीना में अपने खेमे गाड़ देते, मुजदलफा में अपने खेमे लगाते, और वहां पर एक शायर इस कबीले की तारीफ कर रहा है, वो शायर उस कबीले की तारीफ कर रहा है, वो उसकी तारीफ कर रहा है। यानी घर गए हैं हज करने के लिए, गए हैं अल्लाह को राजी करने के लिए, मगर तारीफ हो रही है अपनी अपने कबीले की, उसकी तलवारों की, उसकी सखावत की, उसकी बहादुरी की, उसके कत्ल की, और दुश्मन की दुश्मन पर हिजो कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जब तुम मशरे हराम से गुजरो, मुजदलफा में पहुंचो, तो अब अल्लाह का जिक्र करो। का जिक्री कुम आबा अकुम, जैसे तुम अपने बाप दादा का जिक्र करते थे, औ अशद्द जिक्रा, या जैसे तुम उससे भी सख्त जिक्र करो अल्लाह तबारक व तआला का। और अल्लाह रब्बुल इज्जत को अब यहां खड़े होकर बैठ करके याद करो, मुजदलफे में अपने आबाओ अजदाद का जिक्र ना करो। मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले साल मैंने ये बात कही थी या नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूं। जब कुरैश और बनू हाशिम खाना काबा के मुतवल्ली थे, तो उन्होंने हज में भी अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए वो अराफात के मैदान में नहीं जाते थे, बल्कि अपने आप को मुजदलफा में हुदूद हरम में ठहरा लिया करते थे, और कहते थे हम तो कुरैश हैं, हम तो बनू हाशिम हैं, खाना काबा की चाबियां हमारे पास और खाना काबा के मुतवल्ली हम हैं, लिहाजा हम आम लोगों की तरह अराफात में नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्यों? हमारी तौहीन है, अपने को बड़ा समझते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, तुम माफीजु मिन हैसु अफाज़न्नास, तुम सबको हज करने के लिए मैदान अराफात में जाना होगा, चाहे वो कुरैशी हो, बनू तमीम से हो या बनू आदि से हो, बनू तैम से हो या बनू उमैया से हो, बनू हाशिम से हो या किसी और कबीले से हो, वो खजरज से हो या औस हो, वो ताइफ का हो या कहीं और का हो, इराकी हो या हिंदी हो, वो अफगानी हो या किसी दूसरे खित्ते का हो, उसका हज मुकम्मल नहीं होगा जब तक वो अराफात में नहीं पहुंचेगा। वो बादशाह हो या वजीर हो, वो हुकूमत में हो या मजदूर हो, वो फकीर हो कासाए गदाई लिए हुए, ये टूटे फूटे लिबास और कपड़ों में हो, तुम्हारा हज वही होगा। इस्लाम ये है तुम्हारा, जिसने जाहिलियत के तमाम पर्दे चाक कर डाले, बिरादरियों और कौमों की तमाम बुत तोड़ डाले, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं अगर ये कहूं आपसे कि दावा तो हमारा इस्लाम और ईमान का है, लेकिन जाहिलियत आज भी रह रहे के हमारे दिलों में बसी हुई नहीं है, क्या गई है ये, छोड़ा है हमने ये? हमारा हिंदुस्तानी माशरा, हमें दूसरे मुल्कों का पता नहीं वहां क्या है, लेकिन हमारा माशरा ये है, जहां हम बैठते हैं एक कौम दूसरी कौम की तजलील करती है, एक कौम दूसरी कौम से नफरत सिखाती है। कुछ जुमले हैं, कुछ सेंटेंस हैं, एक अपने को आला समझता है और दूसरे को हकीर समझा जाता है, एक अपने को बरतर समझता है और दूसरों को कमतर समझा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कलमा तय्यबा की बुनियाद पर हमारी बिरादरी को कायम किया है। जिसने भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह का इकरार किया है, रंग उसका स्याह हो या सफ़ेद हो, वो गोरा हो या काला हो, वो ईरानी हो या अफगानी हो, वो हिंदी हो या जावा और जापान का रहने वाला, वो तुम्हारा भाई है। बिलाल रंग के काले थे, मगर हजरत उमर उनको अपना सरदार कहा करते थे, हजरत सलमान ईरान और फारिस के रहने वाले थे, उन्हें अजमी होने पर कभी ताना नहीं दिया गया। जब वक्त आया इस्लाम का, तो इस्लाम ने उनको गवर्नर बनाया। जब तक हम कुरान के इस पैगाम पर नहीं आएंगे, ईमान कच्चा है, इस्लाम अधूरा है, जाहिलियत हमारे सीनों में फड़फड़ा रही है, जब तक हम इस बुत को नहीं निकालेंगे, हम भी बुतगर हैं, सनमगर हैं, सनम परस्त हैं, पहले इन सनमों को जो दिल में रखे हुए हैं इन्हें तोड़ फेंको, इन्हें उतार फेंको। जिस तरह तुम बिना नस्ल के और बिना कौम के हजरत इब्राहिम से मोहब्बत करते हो, हजरत इस्माइल से मोहब्बत करते हो, हजरत यूसुफ से मोहब्बत करते हो, वो मिस्र में रहा करते थे, वो कनान में
रहा करते थे, इस तरह ये मोहब्बतें जब तक दोबारा से नहीं आओगे मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं हो। ये फलां बिरादरी का है, ये फलां कौम का है, ये पेशे के एतबार से कमतर है, ये रंग के एतबार से कमतर है। दुनिया में कोई बिरादरी नहीं है। महलों से इस्लाम कीमत नहीं नापा करता, दौलत से नहीं नापा करता, इस्लाम कद से नहीं नापा करता। इस्लाम नापता है सिर्फ और सिर्फ तकवा की बुनियाद पर, तहारत की बुनियाद पर। इन अकरमकुम इंदल्लाही अत्काकुम, तुम में सबसे बड़ा मुत्तकी वो है, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो मुत्तकी है। कुरान का मेयार क्या है? तुम्हारा इमाम कौन हो सकता है? इमाम ही तो पेशवा है। इसी को इंग्लिश में लीड करने वाला कहते हैं, लीडर। कोई जीत रहा था उसे कहते हैं कि भाई फला लीड दे रहा है, यानी आगे बढ़ रहा है, उसी से बना इंग्लिश में लीडर। कौन होना चाहिए बताओ? हमारे समाज में हमारा लीडर वो हो जो बदमाश हो, कातिल उसके आगे पीछे घूम रहे हो, रंगदारी वो मांगता हो, जेल के अंदर पड़ा हुआ हो, वहीं से धमकियां दिलवा रहा हो, खनन का कारोबार करता हो, रिश्वतें लेता हो, कोटे बेचता हो, सुबह शाम 10% या 30% हो, वो तुम्हारा लीडर है। इस बुनियाद पर लीडर है कि तुम्हारा उससे खानदानी रिश्ता है, तुम्हारा इससे कौमी रिश्ता है, तुम्हारा इससे रिश्ता है। ये हो तो फिर इस्लाम कहाँ, ये कुरान कहाँ? ये कुरान महज तिलावत के लिए है, ये कुरान महज तावीज़ात के लिए है, ये कुरान महज बरकत के लिए है, ये रूह के निकालने के लिए है, ये इसाल सवाब के लिए है। ये कुरान तुमसे ये कह रहा है, नबी से पूछो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से पूछो, तुम्हारा इमाम कौन बन सकता है? अभी नमाज का वक्त जब आएगा, इस नमाज के वक्त में तुम्हारा इमाम कौन बनेगा बताओ? कौन बनेगा? अकराउहुम, जिसको कुरान ज्यादा आता हो। कुरान ने ये नहीं कहा वो अरब होना चाहिए, वो फुला होना चाहिए, फुला नस्ल फुला खानदान का होना चाहिए, जिसका सबसे बड़ा मकान लालपुर में हो, जिस पर रंग बिरंगी तस्वीरें लग रही हो और कुमकुमे जगमगा रहे हो, वो तुम्हारा इमाम हो। नहीं, जिसका घर झोंपड़ी का भी हो, माँ के कपड़े उसके फटे हुए हो सकता है वो फाके से हो और वो भूखा पेट हो, लेकिन अगर वो कुरान तुम में सबसे ज्यादा जानता है और अच्छा जानता है तो तुम्हें हुक्म यह है कि उसकी इख्तदा में तुम नमाज अदा करो। इस पर आओ। कुरान करीम ने एक बात कही, गौर से सुन रहे हैं? भूख तो नहीं लग रही? लग रही तो बर्दाश्त कर लीजिए, थोड़ी देर का रोजा रख लीजिए, 10-12 दिन के बाद पूरे दिन का रोजा रखना है इंशाल्लाह। उस जगह पर लाना है जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें छोड़ा था, जिस लड़ी में उन्होंने पिरोया था उस लड़ी में हम पिरोए जाने लगे, वो मकाम हम समझें। इंसान को अल्लाह तबारक वतआला ने इंसान बनाया है, वो अपने आप को इंसान समझे। और तुम्हारी हैसियत और मकाम तुम्हारा क्या है, इससे ना पहचाने जाओ कि हम उस रामपुर में रहते हैं जहां चाकू बनाया जाता है, ये तुम्हारी पहचान ना हो। हम उस रामपुर में रहते हैं जहां बदमाश हर गली हर कूचे में मिलते हैं, ये तुम्हारी पहचान ना हो। कि रात के अंधेरे में काशीपुर के चौराहे पर लूट लिए जाते हैं, ये तुम्हारी पहचान ना हो। कि खौत की पुलिया पे लूट लिया जाता है, ये तुम्हारी बदनामी है, ये जिल्लत है। ये मुसलमानों का शहर, ये हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में अक्सरियती मुसलमानों का शहर, मगर ये इन चीजों से पहचाना जाए, जहां बात बात पर लोग गालियां निकालते हैं, जहां की मिसालें गालियों से दी जाती हो, जहां फिल्मों में तुम्हारे कत्ल का तस्करा किया जाता हो, तुम्हारी पहचान ये होनी चाहिए थी कि यहां का मुसलमान सच्चा है, यहां का मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है, वफादार है, वो अपना हक दूसरों को दे देता है, वो है जो अपनों को कभी नहीं सताता और जो गैरों को भी इंसाफ की राह दिया करता है। फतेह मक्का पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आपने आकर ऐलान किया, मेरे खानदान का एक खून बनू उमैया की गर्दन पर है। जमाने जाहिलियत में बनू उमैया ने हमारे फला अजीज का कत्ल किया था, मैं आज चाहूं तो उसका बदला ले सकता हूं, मैं आज चाहूं तो उसे मौत के घाट उतार सकता हूं, मैं आज
चाहूं तो किसास ले सकता हूं, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सबसे पहले मैं बनू मैया की गर्दन पर जो हमारा खून है मैं उसको माफ करता हूं। ये माफ करने वाला बुजदिल नहीं है, ये माफ करने वाला डरपोक नहीं है, ये माफ कर देने वाला लालची नहीं है, ये माफ कर देने वाला बहुत बहुत बड़ा बहादुर है। गुस्सा पी लेना बहादुरी की अलामत है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला एक बहुत बड़े पहलवान के सीने पर बैठ गए, करीब था कि उसका खात्मा कर देते कि उसने आपके मुंह पे थूक दिया, हट गए। लोगों ने कहा क्यों, आप तो कत्ल करने वाले थे। कहा पहले अल्लाह के लिए इसके सीने पे चढ़ बैठा था, अब चूंकि थूका तुम अपनी जात के लिए कत्ल कर डालता इसलिए मैंने इसको कत्ल नहीं किया। हम जो करते हैं वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए किसी ने माफ किया है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, तरीका है, वतीरा है, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये दरगुजर करना सीखिए, फिर आप कह सकेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सच्चे वफादार हैं। इंतकाम की आग में झुलसना ये जाहिलियत की अलामत है, और माफी और दरगुजर कर देना ये इस्लाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान है। मेरे अजीजों साथियों, हम जमीनों के छोड़ने वाले हों और दूसरों को दे दें, हम पूरा तोलने वाले हों, हम अपनी तोल में कमी न करें, हम मिलावट करने वाले न हों, हम धोखा देने वाले किसी को न हों, अल्लाह तबारक व तआला की जात पर हम भरोसा करें। पूरी दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इमामत दी है, तुम्हें मनसब दिया है, तुम्हें चुना है, इसलिए हमारी जबान पर गाली न हो, गुप्तार न हो, गालियों पर फख्र न हो, मगर हमारा शहर तो इसका इमाम समझा जाता किसी जमाने में। आय हाय, बुरी चीजों को हमने अच्छा समझ लिया। कुरान करीम ने कहा औरतों से वह करना फी बुयूती कुन्ना। अभी एक बच्ची पर्दे पे तकरीर कर रही थी माशरे पर, बेहतरीन तकरीर थी, काश आप वही समझ लेते और मुझे जहमत न देते। وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى। कुरान कहता है कि औरतों से कह दीजिए कि वो अपने घरों के अंदर करार पकड़ी रहें और पहली जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार न करें। यानी जाहिलियत में औरतें दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी और अपने बगैर दुपट्टे के फिरती थी, ये दुपट्टा होता भी था तो कमर से पट्टा बांध लेती थी, खेतों पे काम करती थी। कुरान ने कहा अब ये घरों में रहें, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, ये अपनी चादरों को अपने सरों पर डाले रखें। तो इससे मुफस्सरीन ने लिखा कि इसको कहा पहली जाहिलियत की तरह बनाओ सिंगार करके ना निकले। मालूम ये हुआ कि दूसरी जाहिलियत भी आएगी पहली जाहिलियत के बाद। पहली जाहिलियत को इस्लाम ने खत्म कर दिया और आज जो हम पूरी दुनिया पर नजर डाल रहे हैं तो दूसरी जाहिलियत ने फिर हमें अपनी लपेट में ले लिया है। हमारा हर अमल इस्लाम से जुदा है, हमारा हर काम इस्लामी तर्ज जिंदगी से अलग हट चुका है। तकरीरें हम बहुत कर रहे हैं, तहरीरें हमारी बहुत ज्यादा हैं, मदारिस रोजाना खुल रहे हैं, हफाज तैयार हो रहे हैं। कल का जरा मंजर देखो, इस पूरे जिले में कितने उलमा हुआ करते थे, गिनती के चंद उलमा हुआ करते थे, आज इल्म की रेल पेल है, यहां से लेके वहां तक मदारिस का एक जाल है, रोजाना हुफाज तैयार हो रहे हैं, ये सब तैयार हो रहे हैं, हर साल हम पगड़ियां बांधते हैं, मगर मुझे ये बताइए वो इस्लामी इनकलाब क्यों नहीं आ रहा, वो सुन्नतें क्यों जिंदा नहीं हो रही, जाहिलियत की तरफ हम क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी बेटियां कल दुपट्टा डाल करके निकला करती थी, आज दुपट्टा उनका किसने छीन लिया है, कल वो सर पे घूंघट काढ़ के हमारे पड़ोस की और हमारी बिरादराने वतन की बेटियां भी हमारे खेतों में काम करती थीं तो घूंघट काढ़ लिया करती थीं, वो आज सारे घूंघट खत्म हो गए हैं, वो आज पर्दा खत्म हो गया है। आज मगरिब ने, वेस्ट ने और इस मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए वो तहजीब हमारे आ गई कि हमने खुद अपने पर्दे को अपने हाथों से फेंक करके पैरों के नीचे मसल डाला। क्या इस पर मुसलमान फख्र नहीं कर रहा, क्या इस पर वो नहीं जी रहा,
मुसलमानों की शादियों में जाइए, बैंकट हालों में जाइए और शादी के उन मकाम पर जाइए, मुसलमानों की बेटियां आपको बेपर्दा नजर आएंगी, लिपस्टिक लगाती नजर आएंगी, यहां तक कि जीन्स पहनती नजर आएंगी। और बहुत से खानदान तो ऐसे हैं जहां डांस भी नौजवान करते नजर आएंगे, नाचते नजर आएंगे। ऐ मुसलमानों, मुझे बताओ कितने गाँव ऐसे हैं, कितनी बस्तियां ऐसी हैं जहां निकाह से पहले डीजे बजते हैं और उस पर नौ उसकी धुन पर नौजवान नाचते हैं, नौजवान लड़कियां नाचती हैं। क्या ये जाहिलियत नहीं है? और इस और इसके साथ साथ दावा हमारा ये है कि हम आशिक रसूल हैं और इश्क रसूल की हमारी पहचान ये है कि अगर किसी के यहाँ इंतकाल हो गया है और उसके बाप को बस एक दिन का इंतजार हम करेंगे, सिर्फ एक दिन का इंतजार है। आज दफना के आए हैं, अभी मिट्टी कब्र की गीली है, अभी पानी पड़ा हुआ है, मुनकर नकीर आने वाले हैं, अभी वहां पर फातिहा पढ़ी जानी है, दुआ मांगी जानी है कि वहीं से हमने खुशियां शुरू कर दी हैं। ऐलान होता है तीसरे दिन तशरीफ लाइएगा, उम्दा किस्म की बिरयानी आपको पका कर खिलाई जाएगी। बेहतरीन बिरयानी जो जितना मालदार है उतनी टॉप की। और हमारा हाल यह है कि हम ये कहते हैं कि हम तुम्हारे वालिद के लिए, चचा और ताऊ के लिए, मामू और भांजे में से किसी के लिए बिन लालच के, बिन खाए, पेट पर हाथ फेरे बगैर कुरान की एक आयत नहीं पढ़ सकते। एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ सकते। हमें कलमे की तादाद 70,000 या 1,25,000 पूरी करनी है तो वो खजूर की गुठली पर नहीं हो सकती, वो इमली की गुठली पर नहीं हो सकती, वो पत्थर की कंकरियों पर नहीं हो सकती। भाई कुछ मीठा तो लेकर आओ, इलायची दाने और चने। अब तो बता रहे कि किशमिश चल रही है। मेरे वालिद का इंतकाल हुआ 2011 में, तो भले इंतकाल हो गया, कब्र पे गए, गम का दिन है, रोते रोते बुरा हाल है, माँ अलग रो रही, हमें अपने बचपन का बाप का ख्याल, बाप हमारे किस तरह हमसे मोहब्बत करते थे, वहाँ कहाँ खुशी और कहाँ क्या। पता चला कि हमारे मामूजाद भाई वहाँ पर जब कब्रिस्तान से वापस लौटे तो कह रहे हैं कि भाई छुआरे नहीं बटे। तो हमारे भतीजे ने कहा, वो यहीं का नवासा है आपके यहाँ का, जाहिद भाई का नवासा है, उसने कहा कि अभी ये निकाह हो रहा था कि तुझे छुआरे चाहिए। ये इंतकाल हुआ है इस पे छुआरे। अब आपको कि वो तो हम इसाले सवाब करते हैं, इसाले सवाब को किसने मना किया है? हाँ हैं मुसलमानों में ऐसे भी गिरोह जो इसाले सवाब को मना करते हैं और कहते हैं वहां कुछ नहीं पहुंचता, हम उन लोगों में नहीं हैं। लेकिन इसाले सवाब का तरीका भी तो होना चाहिए। ये जो लोग गए हैं यहां पर बाइक से, मोटरसाइकिल से, अपनी कार से, क्रिएटा से, होंडा से, ये इन्हें कौन से एक छुआरे का इशारे सवाब हो जाएगा? इशारे सवाब के लिए मुझे ढूंढना चाहिए अपने महल्ले के कोने में कोई बेवा जिसके यहाँ चूल्हा ना जलता हो, चराग के लिए भी तेल मुश्किल से मिलता हो, फटे टूटे कपड़ों में हो, मैं उसे जाकर अगर कुछ दूं, ये सवाब की बात है। यहाँ से लेके नाक तक जो मौलाना फरमा रहे थे उनका पेट भरा हुआ हो और उनकी तोंद में और हम चिकनाई डाल दें, ये कौन सा इशारे सवाब है? इशारे सवाब ये है कि आप यतीम की किफालत करें, इस मदरसे में किसी यतीम को गोद ले लें और कहें इस पर जो कुछ खर्च होगा वो मैं खर्च करूंगा। किसी बेवा की छत टपक रही हो आप उसका छप्पर डलवा दें, किसी के टीन शेड पड़ा हुआ हो आप उसका लेंटर डलवा दें, कोई किराए के मकान में हो आप उसका जाती मकान दिलवा दें, किसी के पास कुछ ना हो आप उसको वो दे दें, गरीबों को बुलाएं वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिहि मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। अहले ईमान की शान ये बयान की गई कि वो खाना खिलाते हैं किसे? किसे? चेयरमैन साहब को, जिला पंचायत के, जो आज खिलाएंगे तो कल रोड का ठेका तो मिल ही जाएगा ना। ये सवाब नहीं, ये आपकी दुनिया है, करिए, इसे कौन रोकता है? इसे कौन रोकता है? दुनिया के लिए कुछ भी किया जाए,
लेकिन इसाले सवाब में कहा जा रहा है वयुत्इमून अत्तआम अला हुब्बिही, वो अल्लाह की मोहब्बत में खाना खिलाते हैं किसे, मिस्कीनन, मिस्कीन को, कुरान पढ़ रहा हूँ, वयुत्इमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन, और यतीम को खिलाते हैं जिसका बाप दुनिया से चला गया, माँ बेवा है, कमाने के काबिल नहीं है, चाहे वो बाप एक्सीडेंट में चला गया हो, या बाप किसी ने कत्ल कर दिया हो, या बाप उसका किसी अपनी बीमारी से मर गया हो, इन यतीमों को खिलाओ, वह असीरा, और कैदियों को भी खिलाओ, इसलिए कि कैदियों का भी कोई नहीं होता, तुम्हें जो नेमतें मिलती हैं वो कैदी को नहीं मिलती, और ये कौन है, क्या कहते हैं, खिलाकर मिस्कीन को, यतीम को, मिस्कीन क्या दे पाएगा, और कैदी क्या दे पाएगा, और ये यतीम क्या दे पाएगा, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम खिलाते हैं अल्लाह तबारक व तआला के लिए, ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा, हम इनसे न बदला चाहते हैं, हम तो लफ्ज़े शुक्रिया भी नहीं चाहते, अल्लाह के लिए खिलाइए, अपने लिए नहीं। बहरहाल बीच में यह बात आ गई कि आप हजरात और हम किस 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 समत में जा रहे हैं, हमारी खुशियां भी दीन के मुआफिक नहीं और हमारे गम भी दीन से रिलेटेड नहीं, जो हमने चाहा वो कर लिया, जो ख्वाहिश ने चाहा वो कर लिया, जो आरजू ने चाहा वो कर लिया, जो हमने प्लान बनाया वो कर लिया। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाहु तबअन लिमा जीतु बिह, मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं तुम में से कोई भी मोमिन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिशात उस शरीयत के ताबे ना हो जाएं जिसे मैं लेकर आया। उसी तरह गम मनाना है जिस तरह रसूलुल्लाह ने गम मनाने को कहा है, खुशियां उसी तरह मनाना है जिस तरह खुशियां मनाने को कहा है। जरा निकाह पर आ जाइए, आज हमारे माशरे का क्या हालम है, मैं कहते कहते यहाँ तक आया था, मदारिस की कमी नहीं है, एक के बाद दूसरा खुल रहा है, इसलिए कि उलमा पैदा हो रहे हैं, कल तो चंद थे और जो आ रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह इल्म के चिराग रोशन कर रहा है, इससे इनकार नहीं है, मगर अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, अमल कौन करेगा, उलमा कुछ उठकर चले गए, उनकी अपनी जरूरियात थी, ये हमसे छोटे बैठे हुए थे, मुझे बड़ों का इंतजार था, वो आज आए नहीं हैं। मैं आज ये कहना चाहता था, ये सरजमीन हमारी है, ये शहर हमारा है, ये वतन हमारा है, ये आसपास में हम यहां से पहचाने जाते हैं, हम लाख दिल्ली में रहते हो, लोग अब आज भी हमें रामपुरी कहते हैं, मगर यहां इस्लाह की फिक्र कौन करेगा। उलमा आगे बढ़ो, महज कुरान सहाबा को सिखाने ही लाजमी नहीं था, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका उनको बताया था खुद भी उस पर उन्होंने अमल करके दिखाया, सहाबा ने उस पर अमल किया, वो अमल हमें करना होगा। तहरीकें बनती हैं और चलती हैं, मुसलमानों की इस्लाह की तहरीकें क्यों नहीं चलती, चलनी चाहिए हमें, ये इज्तिमात काफी नहीं है, हमें झोली फैलाना पड़े, हमें दामन पसारना पड़े, हमें हाथ जोड़ने पड़े, हमें आंसू बहाना पड़े, हमें नौजवानों तुमसे अपील करनी है कि इस माशरे को कौन सही करेगा, तुमने गैरों की रस्में क्यों ली हैं, तुम्हारे निकाह में मंडा कहां से आया, तुम वलीमा क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते, और ये जहेज और ये तिलक और ये बेटे का सौदा, ये क्या है, क्यों आगे नहीं बढ़ते हम। आप कहोगे तुम उलमा ही नहीं बढ़ते, हाँ मैं उलमा ही से बात कर रहा हूं, अवाम तो हमारे पीछे हैं, ये हमारे मुंतजिर हैं, ये हमसे मोहब्बत करते हैं, ये जानते हैं कि हम, लेकिन तू ही नादा चंद कलियों पे कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाज तंगी ये दामा भी था। हम अपनी बहन की आरजू के सामने झुक जाते हैं, हम अपनी माओ की ख्वाहिशों के सामने झुक जाते हैं, हम अपनी बेटियों की ख्वाहिशों के सामने झुक जाते हैं, क्या दर्द और क्या रोना रोऊं। आज हमारे रामपुर का हाल ये है कि धड़ल्ले से खुलेआम ये मुतालबा कर रहा है लड़के वाला, मुझे चेक चाहिए, चेक, चेक काय को मांग रहा है, अगर जिसने चेक काट कर दिया अगर उसके इनकम टैक्स आ गया फिर क्या होगा, 11 लाख का चेक, 15 लाख का चेक, ये मुतालबा खुलेआम होने लगा। कल तो ये था कि भाई जहेज में जो चाहना वो दे देना, आज मुतालबा किया जा रहा है, और एक बाप
जिसकी चार बेटियां हैं उसको रातों को नींद नहीं आती, इनके हाथ कैसे पीले करूं। एक माँ अपनी बच्चियों की तरफ देख देख कर उसके चेहरे की खाल झुलस गई। कितने दिल के मरीज हो गए और कितने शुगर के मरीज हो गए, मगर हम क्या नमाजी और क्या हाजी, और क्या हम अपने वक्त के काजी, और क्या हम अपने गांव के चौधरी, और क्या हम इस इलाके के जिम्मेदार। हमारी हालत क्या है? हमारी हालत यह है कि हमें चेक चाहिए। गरीब कहाँ जाए, किस मकाम पर जाए? अगर वो बेटी जिसके कई रिश्ते इसलिए छूट जाएं कि उसके बाप के पास चेक देने को ना हो, कार देने को ना हो, जहेज देने को ना हो, और अगर वो जहर की पुड़िया खा ले, अगर वो सल्फास की गोलियां खा ले, इसका कातिल कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? नौजवान तू है, कल मैदान कियामत में तू कातिल बनकर आएगा और अल्लाह तबारक व तआला तुझसे पूछेगा, मेरी इस लड़की का कसूर क्या था, इस बच्ची का कसूर क्या था, इसकी गरीबी का जिम्मेदार मैं था। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क लिमन यशाउ व यक़दिर, अल्लाह तबारक व तआला किसी की रोजी खोल देता है, किसी की तंग कर देता है। क्या हम इसे नहीं तोड़ सकते? तोड़ सकते हैं। तुमने बहुत सी रस्में तोड़ी है। तुमने कहा कि हम मजार पे चराग नहीं जलाएंगे, जमाने ने लान तान की, ये कौन हो गए? तुमने कहा कि हम तीजे का खाना नहीं खाएंगे, जमाना नाराज हुआ, तुमने परवाह नहीं की। तुमने कहा कि हम चादर कब्र पर नहीं चढ़ाएंगे, जमाना नाराज हुआ और तुमने इसकी परवाह नहीं की। तुमने कहा कि हम फातिहा के लिए कोई दिन मुतय्यन नहीं करेंगे, हम तो रोज नमाज में फातिहा पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फजर की नमाज में 4 मरतबा और जोहर की नमाज में 12 मरतबा, असर में जो है वो कम से कम 4 मरतबा और मगरिब में 7 मरतबा, ईशा में 17 मरतबा हम फातिहा पढ़ेंगे। हमसे ज्यादा फातिहा पढ़ने वाला कौन है? तुमने परवाह इस बात की नहीं की कि ये दरूद नहीं पढ़ते, ये सलाम नहीं पढ़ते। हमने कहा कौन कहता है हमसे ज्यादा कौन सलाम पढ़ेगा? हमने उसके लिए एक नमाज मुतय्यन नहीं की है, जुमे की या फजर की। हम तो सुबह भी सलातो सलाम पढ़ते हैं, दोपहर भी पढ़ते हैं, शाम भी पढ़ते हैं। जब 2 रकत पढ़ते हैं तो अत्तहियात में बैठते हैं और अत्तहियात में बैठकर हम कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, सलाम हो आप पर ए नबी। कौन कहता है कि हम सलाम नहीं भेजते? अस्सलामु अलैना, अरे हम तो नबी पर भी भेजते हैं और अपने आप पर भी भेजते हैं। अस्सलामु अलैना, सलाम हो हम पर, सब पर सलाम हो। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन, जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उन पर भी सलाम हो। नहीं पढ़ते वो, पढ़ते हैं जो रसूलुल्लाह ने पढ़ा, वो पढ़ते हैं जो बकर सिद्दीक ने पढ़ा, वो पढ़ते हैं जो हदीस की किताबों में है। सारे औलिया इबादिल्लाह सालिहीन में आ गए कि नहीं आ गए? सारे औलिया पर पढ़ते हैं, चाहे वो औलिया के इमाम हजरत अली हों और चाहे हसन बसरी हों, जुनेद बगदादी हों, शिबली हों, मारूफ करखी हों, ख्वाजा बख्तियार काकी हों, निजामुद्दीन औलिया हों, अब्दुल कादिर जीलानी हों, साबिर कलियरी हों, शेख अहमद सरहंदी हों, तमाम सिलसिलों के औलिया पर हम दरूद व सलाम भेजते हैं। महज उन पर ही नहीं जिनको हम जानते हैं। अगर लालपुर में भी कोई अल्लाह का वली है, कुतुबपुर में भी कोई कुतुब है अपने गांव के नाम के एतबार से, तो हम उस पर भी सलाम भेजते हैं। और उस नगलिया में जिसे बदनाम कर दिया है, अगर वहाँ भी कोई अल्लाह का वली है तो उस पर भी हम सलाम भेजते हैं। आपने परवाह नहीं की? इसी तरह ये जो रस्में हैं, इन रस्मों को तोड़ने के लिए आगे बढ़ें। इस जिले के जो जिम्मेदार उलमा हैं, मेरा पैगाम उन तक पहुंचाओ। जनरल सेक्रेटरी यहाँ मौलाना मोहम्मद असलम हो, या यहाँ के मुफ्ती रियासत अली कासमी मुफ्ती आजम अमरोहा हो, या टांडे के रहने वाले लोग हो, या वो किसी दूसरी जगह पर रहने वाले हों, उलमा इकराम आगे बढ़ें, इस तहरीक को आगे बढ़ाएं। ये तहरीक तो अपनों के बीच है, ये तहरीक मासूम बच्चियों के लिए है, ये गरीबों के लिए है, ये मिस्कीनों के लिए है। नबी अकेला होता है, तन्हा होता है, और नबी बात की परवाह नहीं करता कि उसके साथ वक्त का बुजहल आएगा या नहीं, उसके साथ बुलहब आएगा या नहीं, उनका चचा अबू तालिब ईमान कबूल करेगा या नहीं। नबी इसकी परवाह नहीं करता। नूह अलैहिस्सलाम दावत देते रहे, बेटे ने दावत कबूल नहीं की, जहन्नम में गया। बीवी ने दावत कबूल नहीं की, जहन्नम में गया। लूत अलैहिस्सलाम मेहनत करते रहे। बेहयाई के खिलाफ हम मेहनत करेंगे, निकाह पर अपने डीजे नहीं बजने देंगे, और जो नौजवान डीजे बजाएगा वो हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, हम उसका भाई काट करेंगे और उस खाने को हम ठुकरा देंगे जिस खाने में गुनाह के असरात मिला दिए गए।
जिस दिन ये तय करोगे माशरा बदल जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। मैं भी आगे बढ़ने की बात नहीं कह रहा, आगे बढ़कर अगर आपने अपने बेटों के निकाह उस सुन्नत के मुताबिक किए जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं, तुनकहुल मरअतु बि अरबईन, औरत से निकाह चार वजूहात से किया जाता है, ली जमालिहा उसके हुस्न की वजह से, वली मालिहा उसके माल की वजह से, वली हसबिहा उसके हसब की वजह से, वली दीनिहा उसके दीन की वजह से। रसूलुल्लाह फरमा रहे हैं फसफर बिजात दीन, दीन को तरजीह दो, दीन को। मगर ये दीन सिर्फ शक्लों के बनाने में रह गया है ना, सिर्फ शक्लों के बनाने में रह गया। शक्लें नहीं होती दीनदार, दिल दीनदार होते हैं। कपड़े नहीं होते दीनदार, ये दिखावा है, ये रियाकारी है। हाँ ये दिखावा है, ये दीनदार नहीं होते, दीनदार दिल होता है, ये होने चाहिए। और जिस दिन हम आगे बढ़कर इस पैगाम को लेकर निकलेंगे, जमाना तुम्हारी मिसाल दे और ये कहे कि ये इनकलाब लालपुर से शुरू हुआ, ये इनकलाब फला मकाम से शुरू हुआ, एक शख्स इस वक्त नजर आए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नजर आएगी। मैं अपनी बात को मुकम्मल करने जा रहा हूँ, मैंने शुरू यहाँ से किया था, फमिनहुम शकीयुन व सईद, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनमें से कुछ शकी हैं और कुछ सईद है। दुनिया में दो ही गिरोह हैं, एक शकी यानी बदबख्त बदनसीब, और दूसरे खुशबख्त खुशनसीब सआदतमंद। फअम्मल लदीना शकौ, जो बदबख्त हैं, फफिन्नार, वो आग में जाएंगे। वअम्मल लदीना सुईदू फफिल जन्ना, और जो सआदतमंद हैं वो जन्नत में जाएंगे। हजरत आदम से लेकर आज तक और आज से लेकर के कयामत तक दुनिया में यही दो गिरोह हैं, एक सआदतमंदों का है और एक खुशनसीबों का है, और एक इज्जत वालों का है और दूसरा बदनसीबों का है, शकावत वाला है, बदनसीब है। ये असहाब यमीन हैं जो असहाबुल जन्ना हैं, ये असहाब शिमाल हैं जो जहन्नम वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने महज अपने फजल से, अपने कलमाए कुन से, अपनी रहमत से, जिस तरह पिछली उम्मतों में कुछ लोगों को सईद बनाया और कुछ लोगों को शकी बनाया, नूह अलैहिस्सलाम ने दावत दी, मैंने आपसे अर्ज किया, सारा जमाना उनके इनकार पर खड़ा हो गया, यहां तक कि बीवी और बेटा भी। मगर 80 लोग ऐसे थे जिनकी बीवियां और वो सआदतमंदों में शामिल हो गए। तूफान आया, ये 80 बचा लिए गए, इनके लिए कश्ती बनवाई गई और इस कश्ती को डुबोया नहीं गया। आज पूरी दुनिया में जो तुम्हें सारे इंसान नजर आ रहे हैं वो बदनसीबों से नहीं आए थे, वो इन्हीं खुश नसीबों से आए, मगर उनमें से भी कुछ फिर बदनसीब हो गए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व तूब इलैह। एक जगह से लिबास फटा हो तो सीऊं, जगह जगह जो है दामन फटा हुआ है, कहाँ से उसकी सिलाई शुरू करें। इस पर्ची में लिखा है कि आजकल बहुत सी मुसलमानों की लड़कियां जो कपड़े पहन रही हैं वो टखनों से ऊंचे पहन रही हैं। वही तो कह रहा हूं कि कहूं तो क्या कहूं, दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। औरत सर से लेके पैर तक हया की जीती जागती तस्वीर है। अल्लाह ने बच्ची की फितरत में हया दी है। देखो ये बच्ची बैठी है, मैं जब से आया हूँ इस बच्ची को देख रहा हूँ, बार बार अपने दुपट्टे को लपेटती, बार बार अपने दुपट्टे को लपेटती है। हालांकि ये मासूम है, इसका सर खुला हो तब भी ये मासूम है, लेकिन ये खुदा की दी हुई फितरत तबीयत मिजाज है कि बार बार जब से लेके अब तक दुपट्टा खुल जाता है, रेशमीन कपड़ा है,
इतनी छोटी बच्ची को किसने कहा कि तुझे सर ढांकना है, ये औरत की फितरत है। मगर हमारा समाज और समाज के जालिम और कातिल और सफाक और बेहया तहजीब ने हमारी बहनों से हया छीन ली, गैरत छीन ली, पाक दामनी छीन ली। ये हमने खुद अपने आप को बर्बाद किया है। जरूरत इस बात की है कि हम अपनी बेटियों को हया की चादर में लपेटे और उनसे ये कहें कि तू फातिमा की औलाद है, तू हजरत आयशा की रूहानी बेटी है, तू हजरत मरियम से ताल्लुक रखती है, तू हजरत खदीजतुल कुबरा की रूहानी औलाद है, तू हजरत आसिया के नक्शे कदम पर तुझे चलना चाहिए। ये हमारी बच्चियों को होना चाहिए। हमारी बच्चियां पर्दा करें। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमने आज क्या सिखाया है कि हमारी बच्चियां ये कर रही हैं। हमने उनसे सब कुछ छीन लिया, इज्जत हमारी गई। वो अल्फाज दोहराता हूं जो मैंने अभी चंद दिन पहले एक दूसरे मकाम पर कहे थे। दुनिया वालों, हमारा हमसे मत टकराओ और हमारा मजाक मत उड़ाओ। हम अगर औरत को पर्दे के लिए कहते हैं तो हम औरत को सबसे दुनिया की कीमती शय समझते हैं। ये कुदरत का उसूल है, ये रब का दस्तूर है, ये तुम्हारे पैदा करने वाले की सुन्नत और तरीका है। जो कीमती चीज है उसकी हिफाजत का इंतजाम किया गया है। दिमाग में भेजा है, दिमाग सबसे कीमती है, तो जिस्म की सबसे मजबूत हड्डी सर की हड्डियां होती हैं। डॉक्टरों से पूछ लो। अल्लाह तबारक व तआला ने दिल पसलियों के बीच रखा है, इसे बाहर नहीं रखा। इसकी हिफाजत के लिए मजबूत पसलियां अल्लाह ने बनाई हैं। एक मक्का के भुंटे को अल्लाह तबारक व तआला ने कवर में छुपा के रखा है। केले के गूदे को जो नर्म है उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने मोटा छिलका लगाया है। मूंगफली को अल्लाह ने छुपाया है, बादाम की गिरी को छुपाया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अखरोट को छुपाया है। दुनिया का कोई बनिया जाना रामपुर सोने को सड़क पर नहीं डालता, तिजोरियों में छुपा कर रखता है। कोई हीरा सड़क पर नहीं फेंका जाता, पत्थर सड़क पर फेंके जाते हैं, कंकर सड़क पर फेंके जाते हैं, मिट्टी और ईंट सड़क पर फेंके जाते हैं, घास और फूस फेंकी जाती है। औरत इस्लाम की नजर में वो कीमती शय है जिसे छुपा कर पर्दों में, तिजोरियों में और तालों के अंदर रखा जाता है। हमसे पूछो औरत की कीमत क्या? ये हमारी गैरत है, हमारी इज्जत है, हमारी आन है, हमारी शान है, हमारी सब कुछ है। इसलिए हम उसे आवारा और आज़ाद नहीं छोड़ सकते हैं। हम उसकी हिफाजत करते हैं पल पल। अब तुम कहोगे कि फिर कमाएगा कौन? तो हमारे इस्लाम ने कहा, माँ के लिए ऐ बेटे तू कमाएगा, बहन के लिए भाई तू कमाएगा, बीवी के लिए शौहर तू कमाएगा। कमाने की जिम्मेदारी मर्दों पर रखी है, औलाद की जिम्मेदारी बाप पर रखी है। हम अपनी बेटियों को बेपर्दा नहीं करना चाहते। हाँ, हम काम करने की इजाजत देते हैं, तालीम की इजाजत देते हैं, पढ़ने की इजाजत देते हैं, हुनर सीखने की इजाजत देते हैं, लेकिन वो इजाजत नहीं जिसमें उनकी आबरू लुट जाए या जिसमें उनकी हया की चादर छीन ली जाए। तो आए मेरे अजीजों, आज की ये मजलिस जो हाफिज मोहम्मद अहमद साहब की कोशिशों और मेहनतों और मैं मासूम बच्चे और बच्चियों की बरकत से कायम हुई है, कभी यहाँ ऐसा माहौल नहीं था। मेरा अपना इलाका है और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं तो आपसे यही कहूँगा, कोई ये ना समझे कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब मेरी दो बेटियाँ जवान हो चली हैं तो उनके जहेज का इंतज़ाम कहाँ से होगा। इसलिए आपसे गुजारिश नहीं कर रहा, कल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे? मुझे तो उनकी फिक्र है कि जिनकी जमीन नहीं है, जमीन वाला तो जमीन बेच करके जहेज दे देगा, और नौकरी वाला तो दे देगा, उन गरीबों की फिक्र कौन करेगा? अगर ये आज उम्मत की बेटियां कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गईं और दावा दायर कर दिया उन्होंने हमारे खिलाफ, ऐ नौजवानों तुम्हारे पास क्या होगा? जिनके निकाह नहीं हुए हैं वो आगे बढ़कर क्यों नहीं कहते हम निकाह सादगी के साथ करेंगे? इन आजमन निकाह ही बरकतन ऐसरहु मऊनतन। हम यूं तो सब कुछ हैं, हम दीनदार भी हैं, हम शब जिंदा
रोजादार भी हैं, तहज्जुद पढ़ने वाले भी हैं, जमातों से जुड़े हुए भी हैं, एक दूसरे को दावत का पैगाम भी हम दे रहे हैं, लेकिन जब मसला आता है दीन का और बुराइयों के रोकने का तो हमारा ईमान कमजोर क्यों हो जाता है? अपने ईमान को मजबूत बनाइए। इसी के साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को हाफिज भी बनाइए, आलिम भी बनाइए। ये आलिम नूर बन जाएंगे, ये आलिम लोगों से तुम्हारे लिए आखिरत का जरिया बन जाएंगे। एक बच्चा जिसका हाफिज कुरान हो गया, कल कयामत में अल्लाह ताला उसके सर पे, उसके बाप के सर पे ताज रखेगा। ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स, इस सूरज से ज्यादा उसकी चमक होगी। करेंगे इस तरह। माशाल्लाह, कई लोगों ने मुझे यहां एक खुशखबरी सुनाई थी कि यहां का माहौल ऐसा था कि अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाए। मैंने जिक्र किया था पिछले साल, दिलों को पलटना अल्लाह का काम है। अल्लाह ने दो घरानों में, दो ख़ानदानों में, दो अलग अलग कबाइल में जो एक मसला था उसे हल कराया। अल्लाह तबारक व तआला इस सुलह को बेपनाह कबूल फरमाए। और जहाँ जहाँ भी इस तरह के झगड़े हैं, जहाँ जहाँ भी इस तरह के फसादात हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन सब को वसअत अता फरमाए। एक बात और आपसे अर्ज करता हूं दोस्तों, जरूरत है ऐसे बुजुर्गों की, ऐसे नौजवानों की जो रातों को रोएं, कभी मुसल्ले पर बैठें तो फिर पूरी उम्मत के लिए वो दुआएं मांगे, पूरी मिल्लत के लिए दुआएं मांगे। ऐ अल्लाह, ये तेरे नबी की उम्मत है जो आज गलत राहों पर चल पड़ी है, बिन लॉस और बेगरज होकर मजलूमों के लिए दुआएं मांगो, इंतकाम के जज्बात में हमेशा मत जलते रहो। कैदी जो कैद में हैं, कैसे भी हों, मुस्लिम हों गैर मुस्लिम हों, जो भी हों, अल्लाह ने इंसान को आज़ाद फितरत पर पैदा किया है, उनके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो मांग सकते हो। ऐ मौला, उनके हाथों की हथकड़ियाँ खुल जाएं, उनके पैरों की बेड़ियाँ खुल जाएं, वो भी हमारी तरह आज़ाद फ़जाओं में रहने लगें, जिस तरह हम दस्तरखानों पर नेमतें खा रहे हैं वो भी दस्तरखान पर नेमतें खाते रहें। मुसलमान सही माना मुसलमान बन जाओ। और जो हदीस पढ़ी थी वो भी सुना दूँ, चूँकि दस्तार का वक्त आ चुका है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम ला यज़्लिमुहु वला युस्लिमु, मुसलमान मुसलमान का भाई है, न वो अपने भाई पे जुल्म करता है और न किसी जालिम के हवाले करता है। सुनी हदीस, लेकिन हम क्या करते हैं सोचो। मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ, आधी सदी मेरी भी गुजर गई, हाफ सेंचुरी की उम्र मेरी भी गुजर गई। क्या है हमारे यहां हाल? जालिम खुद भी हम और जालिमों के हवाले करते हैं, और जब हम जुल्म करते होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, जुल्म की एक एक जर्रा बराबर एहतसाब होता है। मजलूम अपनी जबान से जो लफ्ज निकालता है, रब ताला के नबी ने फरमाया मजलूम की आह सारे आसमानों को चीरती हुई अर्शे आजम तक पहुंचती है, और उसकी आह से अल्लाह तबारक व ताला का अर्श हिल रहा होता है। अल्लाह तबारक व ताला मजलूम की बद्दुआ को कभी रद्द नहीं करता। हाँ, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पीर जुल्फकार पाकिस्तान में रहते हैं, बहुत सारे उनके खलीफा यहां पर हैं। उन्होंने एक वाकया लिखा है कि एक मर्तबा एक बादशाह अपने महल को वसी करना चाहता था, बड़ा बनाना चाहता था। उसके महल के बराबर में एक बुढ़िया की झोंपड़ी थी। बादशाह ने बुढ़िया से यह कहा, अपनी झोंपड़ी मुझे दे दे, मैं अपने महल को वसी और चौड़ा करके बनाऊंगा, खुशनुमा और खूबसूरत बनाऊंगा। बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैं अपनी झोंपड़ी की मालिक हूं, मैं अपनी झोंपड़ी तुझे नहीं दूंगी, किसी हाल में झोंपड़ी तुझे नहीं दे सकती हूं। तू बादशाह है तो अपने वक्त का होगा, मेरी रजामंदी तेरी झोंपड़ी देने में नहीं है, और जबरदस्ती देना तेरे लिए जायज भी नहीं है। बादशाह बादशाह था, कुवत में था, ताकत में था। एक दिन वो औरत अपने काम से या भीख मांगने के लिए बाहर गई, जब वहां से वापस लौटी बादशाह ने यह कहा कि बिल्डोजर चला दो, उस जमाने का जो भी बिल्डोजर होगा, इसकी झोंपड़ी खत्म कर दो। जब वो लौटी तो झोंपड़ी टूटी हुई थी और बादशाह का महल तामीर हो चुका था। जब वो वापस आई तो उसने वापस आकर आस
आसमान की तरफ नजर उठाई और नजर उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से कहा, चीख कर कहा, रोते हुए कहा, अश्कों की बरसात के साथ कहा, ए मौला मेरी झोपड़ी कहाँ गई, अगर मैं नहीं थी तो तू तो मौजूद था, तेरे होते हुए मेरी झोपड़ी कहाँ चली गई। इतना उसकी आवाज निकलनी थी, जमीन फटी और बादशाह का महल जमीन में धस गया, जमीन में धस गया, बादशाह का महल खत्म हो गया। अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी एक की फरियाद को सुन लेता है और आन की आन में वो शख्स जिसे हम बर्बाद होता हुआ देखते हैं, हजारों आहें उसके पीछे पड़ी होती हैं। दुनिया का बादशाह जो जुल्म करता हो या कोई ताकतवर जुल्म करता हो, वो ये ना समझे कि उससे जमाना राजी है, हजारों बद्दुआएं उसका पीछा कर रही हैं, अर्श के इर्द गिर्द हजारों बद्दुआएं उसके लिए घूम रही हैं। इसलिए हमें इंसाफ करना चाहिए, और अगर हमसे जुल्म सितम हो गया है, हमने किसी की जमीन दबा ली है, हमने किसी को रुलाया है, हमने किसी के खिलाफ झूठी FIR कराई है उसे थाना पहुंचाने के लिए, अपना मतलब निकालने के लिए, तो कल कयामत से पहले हम अपनी माफी मांग लें। अल्लाह तबारक व तआला की अदालत में सब कुछ होगा। अगर कयामत पर यकीन है तो हमें अभी तौबा करनी होगी और अपने हुकूक माफ करा लेने होंगे। मगर हम ऐसी रियासत में रहते हैं जिसे कभी रामपुर रियासत कहा जाता था, न जाने उस वक्त की जुल्म की दास्तानें अवाम पर मुंतकिल होकर के आई और हमें भी हर शख्स अपने घर का नवाब बन करके गाँव में सताने लगा। हालांकि हमें इंसाफ की कंदीलें रोशन करना थी, हमें इंसाफ की शमें जलाना थी। हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना होता, हम कमजोर के साथ खड़े होते। हमारा अपना भाई ही क्यों ना होता, हम कमजोर के साथ खड़े होते। आओ कुरान मुकद्दस में अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम इंसाफ के गवाह हो, मगर हमने तो कितनों को थानों के हवाले किया, हमने कितनों को तो जेल में पहुंचाया, हमने कितनों के घरों को लूटा, हमने कितनों पे 376 लगाकर उनकी आबरू भी खाक में मिला दी। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ये कहते हैं, ऐ खाना काबा, तू अल्लाह तबारक व तआला का घर है, तू मोहतरम है, मगर अल्लाह के सूल फरमाते हैं एक मुसलमान की इज्जत खाना काबा से भी बरतर और अफजल है। हम पगड़ियां उछालते हैं, इज्जत खाक में मिला देते हैं। खुदारा तौबा कीजिए, कहने को बहुत कुछ है मगर नमाज नहीं हुई, खाना भी नहीं हुआ, पगड़ी बननी है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी और आपकी आज की ये शाम कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अब बच्चों की दस्तार होगी और उसके बाद हजरत वाला।